हाउदी ही अंदर से निकाल दो। हाँ हाउदी में हट जाओ। हम का काम जाने मेरी जाने मन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में है बसे उड़ा, कल का पूड़ी और पुआ और चावल बनाए थे ना थोड़े से शाम को, तो बचे थे तो उन्हीं को फ्राई कर लिया है और नमक से खाएंगे हम लोग और उसके बाद फिर चलेंगे। तो भाई और पापा सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद फिर आम तोड़ने के लिए जाएंगे हम। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलो पापा, हम लोग आ रहे हैं पीछे से। तो चलो हम लोग भी चलते हैं। पानी वानी ले लिया बोतल में और ये भी ले लिया ओढ़ने के लिए क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है। तो ये है हमारे गांव का स्कूल, ये देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो भी नियम के पालन करने होते हैं, पेड़ लगाओ पौधे लगाओ ये सब कुछ लिखा हुआ था। और यहाँ पर इसके स्कूल के पीछे घर भी बने हुए हैं काफ़ी लोगों के, और बहुत लोगों के मैंने आपको बताया था ना खेतों में घर बनते ही जा रहे हैं। तो इस तरफ वाले आज मैं जहाँ मैं जाती हूँ जहाँ हमारे खेत हैं वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, आज हम बाग की तरफ जा रहे हैं जहाँ मियाँ हैं, वो दूसरा रास्ता है। तो यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ का आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे लगते हैं खेत वगैरह और घर कैसे कैसे बने हुए हैं। तो बस अब लोग पहुँचने ही वाले हैं, ये वाला मेड़ जो है इसके आगे ही बस पहुँचेंगे, उसके बाद ही हमारी अंबिया का बाग आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए सब लोग बकरियाँ ले करके चरा रहे हैं, और यहाँ पर ये देखो काफ़ी ज़्यादा ढलान है, पैदल आने में आराम रहता है। अपने बाग में काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, घर में ना काफ़ी गर्मी लगती है लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा है। और ये हमारे आम के पेड़ देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, बस तीन ही चार हैं और एक ही में इस बार हुए हैं, मतलब 5-6 साल बाद इसमें अंबियाँ निकली। तो चलिए आपको अच्छे से दिखा देते हैं पूरा। ये देखिए ये हमारी हाउदी बनी हुई है दोस्तों, ये हाउदी बनी हुई है हम लोगों की बहुत पहले। इसमें सब लोग जब छोटे थे तो नहाया करते थे और इसमें पानी भर दिया जाता था ना, हाँ गर्मी के सीजन में, और खूब मतलब अच्छा लगता था। और यहाँ पे जब पापा छोटे थे तब यहीं पे पापा और सभी लोग यहाँ पे नहाते थे, बहुत अच्छा। और यहाँ पे देखिए ये देखिए इंजन लगा हुआ है, इस इंजन से पानी जो है पहले खेतों में जाता था, अब तो ये सब कुछ बंद हो चुका है। देखिए इंजन मई जून की दोपहर में यहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। तो ये हमारे गांव का वाटर पार्क है, इसी में जब पानी भर लेते हैं और नहा लेते हैं सब लोग, है ना। पाइप है ये देखो यहाँ से, कैंसिल करेगा, जल्दी आओ। तो वो अंकल लोग वहाँ बैठे हैं, हम लोगों से कहा चलो, और वो देखो वहाँ उस वाली बाग में। तो यहाँ ना इतनी अच्छी हवा चल रही, मतलब घर में इतना गर्मी लगती है और यहाँ धूप नहीं लग रही, मतलब पेड़ के नीचे देखो ना कोई पेड़ तो काफ़ी अच्छा। और सारा साफ लोग देख लीजिए वो देखिए। हाँ तो ये है हमारे आमिया के पेड़। तो देखिए दोस्तों हमारे ये जो पेड़ है ना, ये 4-5 है, तो एक ये वाला पेड़ है इसमें कीड़ा लग गया है, पापा बता रहे हैं। देखो कितना दीमक लग गया है, लकड़ी पड़ी है। मतलब ये अब नहीं चलेगा ना, पुराना लग गया लकड़ी से। इसमें अभी अभी तो नहीं निकले, नहीं आम तो आए हैं इस बार। हाँ है, ऊपर है थोड़े से हैं ज़्यादा। तो ये पूरा खराब हो रहा है, यहाँ से दीमक लग गया है, जमीन में नमी कम, पापा बता रहे हैं ना, इसकी वजह से दीमक लग रहा है। इसके लिए तरीका ये होता है, इसका इलाज यही है कि चूना पोत दिया जाए पेड़ के नीचे नीचे। ये देखो सूख गया, यही दीमक लग गया, सब खा डाला इसने। वो पेड़ देखो, एक वो देखो पूरा सूख गया है, इतना अच्छा आम का पेड़ था सूख गया। पूरा आंधी आ रही का पापा, आंधी आ जाए तो आपकी नहीं है, तेज हवा है ना तो काफी तेज चलने लगी। तब तक सब लोग तोड़े ही जा रहे हैं, बहुत कम बचे हुए हैं, सब गाँव वालों ने तोड़ तोड़ के खा डाला, काफी जो है गिर गई है, सब लोग तोड़ ले गए। तो ये देखो ये है चीटा और ये है माटा, एकदम चीटा की तरह है ना पापा, बहुत तेज काटता है, ये आम की रखवाली करता है, जिस पेड़ में ज्यादा ये होते हैं हाँ। उसमें कोई चढ़ता नहीं और रखवाली करता, खाता खाता नहीं। तो ये ना करता क्या है, पीला वाला चीटा है, इसको माटा बोला जाता है, बहुत तेज काटता है। एक उधर देखो, ये देखो जो पत्ते ना ऐसे सिकुड़े हुए हैं, ये पीले वाले जो सूख गए, इसके अंदर पापा बता रहे हैं माटा घर बनाया अपना। ये लोग आ रहे हैं भैया लोग, ये तोड़ेंगे अंबिया, ये ऋषि भैया आ रहे हैं। देखो आदित्य ने एक हमको दिए पापा को, तो आदित्य सबको आम बांट रहे हैं, ये देखो लेके आए हैं, ये देखो खाया, चिड़िया का खाया हुआ है बता रहे हैं, काफी पीला, इस तरह के आम हमको अच्छे लगते हैं, काफी मीठा होगा। हाँ हमको ऐसे ही अच्छे लगते पीले वाले, लेकिन मिलते नहीं, मिला ये छोड़ा लेता है। तो
कहे तो आई चलो वहाँ पर कुछ कही रहे हैं पंचे उजरवा ठंडा देखो पी रहे हैं पी लो। तो अभी ये डंडा लेकर आए हैं अभी तोड़ने के लिए। इसी से तोड़ा जाता है ये देखो यहाँ पे देखो ये ना इसे फंसा के तोड़ दिया। तो हम इसको रख देते झोले में घर में खाएंगे आराम से है ना। पूछो इनसे मिठ कैम लाग की नहीं लाग लागी है ना एक वो भी एक वो हाथी हम यहाँ लागी है। हाँ अच्छा पक्के आम जो हुई हैं गिरा दी हैं मतलब पूरा बानू का तभी बानू आने पे क्या फिर एनर्जी से लोग आवे देखो पेड़ में ऐसे कहा जाता है कितनी जल्दी चढ़ गए ऋषि भैया चढ़ गए पट्ट से। अब ये डंडा पकड़ेंगे अब हटो मैं गिरी हूँ ऊपर चलो दूर हट के देखते हैं चलो जाओ पकड़ो जाओ हाँ सब एक गिरा ये देखिए ऋषि भाई हाथ से तोड़ तोड़ के फेंक रहे ऊपर से आधे नीचे गिरी। कहाँ नाम है तुम्हारा अवनीस आम तोड़े दे खाओ कि नहीं खाओ अच्छा अगर चुटा दिए तो का हुई इनका जरहू बनी अच्छा गाड़े तो सर आम ना बनी फिर अच्छा यही लिए तिरपाल लगा के इनका तोड़ा जा रहा ताकि नीचे ना गिरे नीचे गिरेंगे चोट लग गई तो फिर जो है सड़ जाएगी। हाँ एकदम से ढील पकड़ बेटा अरे वीरू अबे कहाँ याद करी बच्चा अबे तो हम चल रहे हैं पहली बार नहीं ना एक बार आवा एक दीमक लाग गया। ये देखो ये वाला पूरा सूख गया आम का पेड़ रहा मनोज चूना पतवा दीजिए चूना पाते सही हो जाइए ना बताओ नहीं ना बेटा दिमाग हैंग नहीं यही लिए नहीं बता रहे तो न, अच्छा तो अंकल का दिमाग हैंग हो जाता है भूल जाते हैं है, हैंग हो जाता है पता नहीं कहाँ है एका सही करो एका सही करवाओ ठीक। अच्छा पंडित जी से ऊंचाई में चढ़ा तो कहाँ हो तुम्हें ऊंचाई में पूछो पूछो उनका ये आ रहे हैं ओढ़ ओढ़ अच्छा उस वाली बाग में अजगर रहता है हो सकता है ढूंढा जाएगा तो मिलेगा तो कहीं आओ का बहुत भयानक है तो इस वाले बाग में अजगर रहता है जंगल है काफी ज्यादा वो वाला काफी खतरनाक बाग है अकेले जाने वाला नहीं है बहुत जंगली जानवर रहता है। क्या नाम है तुम्हारा हिमांशु नाम मुझे सर उठा लेंगे से हम उठा लिए ये देखो चोरी करते हुए पकड़े गए कोई जो परी है मेहंदी नहीं ये कोई ली है इसको खाओ को मीठ लगती है बताओ तुम बोल आए आराम से लगाओ तो उन्होंने छूट तब तेल लगाओ तब छूट गई का चोपी तो इनके लग गई थी चोपी हाँ तब तेल लगाए हैं तब इनकी चोपी छूटी है ये देखो अच्छा उठा लो वाली आदित्य आदित्य वाली में उठा लो अरे पिता मोना लगाओ दुई ठई है दुई गुच्छा है दुई ठई क्या दुई एक या गिरी क्या बढ़िया है लूक मा हो गया ना तो ये देखो इन्होंने तोड़ के लाया दूसरे वाले पेड़ से ये वाला कह रहे बहुत मीठा है चलो खा कर देखते हैं ये काफी तेज है बच्चे तो बहुत तेज तोड़ लेते ना
अर्पित अर्पित ईंटा से तोड़ लेते हैं भैया। ये देखिए हम लोग आम खा रहे हैं और अर्पित और हिमांशु देखो आम खा रहे हैं, भैया खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। ये दिए हिमांशु, काफी मीठी है। तो ये सब लोग आए हैं हमारी अंबिया तोड़वाने के लिए और खा भी रहे हैं। और सच में बहुत अंबिया मीठी पेड़ की पकी है ना, पेड़ की पकी ज्यादा मीठी होती है ना। और कुछ बताओ अर्पित। तो सब बढ़िया है। रोज ना रोज हम आम लाओ ना, इनका बहुत खा ले, खा दीदी तुम बहुत खा ले, हम खा ले यहाँ खाद भाग। अच्छा लड़का है हिमांशु, पहुंचावत है अभी तो, अच्छा लड़का है अभी, अब बहुत मीठा है। खाया तो करे वो तो खाया एक हमका का, हम तो घर पे अरियम फेंक दो तुम्हारे। हां तुम तो पीछे फेंक दो भाग खा ले। लेकिन पता किस चली कैमरे अभी हम तुमको मार छत में फेंक के नहीं हां की पता लागे पता रखा है तब रहियो काम का घर में घर बता हिमांशु का घर के पीछे ही हिमांशु का घर भी है, उधर ही अर्पित का घर भी है। ये सभी लोग अब आम खा रहे हैं और सभी लोग आम गिरवा रहे हैं। ठीक पकड़ रखा है त्रिपाल और आम गिर रहा है। पेड़ है ना यहाँ पर हम लोग चढ़ के बैठते थे, एक बार आए थे तो हम लोग बैठे थे यहाँ पे, एक लोग यहाँ पे बैठे थे और एक लोग ऊपर बैठे थे, तो काफी मजा आ रही थी, पानी वानी ले करके तो काफी मजा आई थी। उतर रहे हैं हम ये तोड़ के, यहाँ लगाओ यहाँ तो जने इकट्ठा कर दिए। दूसरे वाले पेड़ में ऋषि भैया तोड़ रहे हैं अम्बिया, देखो सब लोग खड़े हैं। इसमें ज्यादा नहीं है, छोटी छोटी हैं, पर ये बता रहे हैं कि काफी ज्यादा मीठी हैं। लिमका है पी रहे हैं। तो हम लोग पानी पी रहे हैं। हाउडी के अंदर से निकाल रहे हैं। हाँ हाउडी के बोरिंग बोरिंग इंजन के भीतर थे। ये डराने और इन कितना का जंगल है, जंगल इतना तो मच्छर नहीं जाने। तो अभी देखो वहाँ पे सब लोग आम तोड़ रहे हैं, यहाँ बैठ गए बहुत तेज ना, मतलब थक गए थे बैठे, तो बैठ गए तो अच्छा लग रहा है। घर से ना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है, हवा बढ़िया चलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे घर में ना तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, यहाँ बढ़िया पेड़ों की हवा रही काफ़ी अच्छा लगता है। का वीडियो बनाओ। अरे दिया में माता है, ये देखो ये गुच्छा लेके आए हैं, ये गुच्छा पकड़ा के गए हैं, बोला इसका वीडियो बना लो। देखो इसमें तीन अंबिया लगी हुई हैं, तो भी इनको पकड़ने के लिए रखा जाएगा। तभी देखिए एक और आम मिला, ये देखो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये ना पेड़ का पका हुआ है ये देखो। चलो इसको देखते हैं खाकर, अभी हम इसको धुल के लाए हैं और पीने का पानी जो लेकर आए थे ना सब लोगों ने पी डाला है। तभी बच्चे ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक एक दो दो ग्लास पी डाले हैं, तो काफ़ी मीठा है, ये काफ़ी मीठा लग रहा है। अभी पेड़ का पका हुआ ना, तो पेड़ का पका हुआ तो उसकी बात ही अलग होती है। कच्चा नहीं पाक है ये देखो, ये पका हुआ आम है, अभी अभी पेड़ से गिरा, हवा चली ना, अभी देखो भाग के आ रहे हैं, जहाँ आम गिरा नहीं कि सब भागे। ये देखो चले गए, माला बनाए हैं अभी, साइकिल चलावत चले जा रहे हैं। देखो यहाँ पर जानवर वानवर बंधे, आराम से बाग में साफ करके यहीं पर बैठते दोपहर। ये जामुन का पेड़, ये जामुन का पेड़ है, इसमें जामुन अब पकने लगे हैं। ये देखो जामुन, ये देखो छोटे छोटे हिमांशु,
हिमांशु दिखा रहे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, अभी पकने लगेंगे। अभी ये देखो कच्चे, एक ये देखो पड़ा है कच्चा कच्चा। कटिंग जैसे नीचे स्कीन के देखो पेड़ के। और ये पेड़ तो सबसे ज्यादा कठिन है चढ़ने के लिए, लेकिन चढ़ जाते हैं। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो पेड़ में चढ़ने के लिए कितने कीड़े हैं, फिर भी ऋषि भैया चढ़े हैं इसमें। काफी मेहनत और इसके साथ देखो लड़के लड़ने लगे। नंद फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।